हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम हिरोत कुमार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 11 के लिए गणित पढ़ा रहे हैं। आजकल जो पहला अध्याय है वो चल रहा है समुच्चय, और इसकी दो प्रश्नावली आप पढ़ चुके हैं। आज प्रश्नावली 1.3 के बारे में बात करेंगे, तो इसके लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको शुरुआत करते हैं समझने के। तो जो पहला हिस्सा आपको मिल जाता है, पहली हेडिंग जो पढ़ने के लिए मिल जाती है वो कहलाती है उपसमुच्चय। अंग्रेजी में इसे सबसेट कहा जाता है, सबसेट या सबसेट्स कहा जाता है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो चिन्ह प्रयोग किया जाता है, आपने ये टेढ़ा सा यू देखा होगा किताब में, अगर आप देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, टेढ़ा सा यू मिल जाएगा ये। अब इसका मतलब होता है सबसेट। अब ये क्या कहना चाहता है ये समझते हैं। जैसे एक समुच्चय है ए, एक सेट है ए, और इसमें कुछ अवयव दिए गए हैं। मान लेते हैं ए, बी और सी, ये तीन अवयव दिए गए हैं। दूसरा सेट है, दूसरा समुच्चय है बी, जिसमें आपको ए, बी और सी, साथ में डी भी ले लेते हैं या फिर ई भी ले लेते हैं, सब ले लेते हैं, जेड तक ले लेते हैं, हम कितना भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ है। दो सेट हैं। ऐसी स्थिति में अगर हम देखें ध्यान से तो हमें समझ में आता है कि जो सेट ए है उसके सभी अवयव आपको बी में मिल जाएंगे, बी में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ए के सभी अवयव बी में देखने को मिल जाएंगे। ऐसी स्थिति में ए बी का सबसेट कहलाएगा, उपसमुच्चय कहलाएगा। जैसे सब इंस्पेक्टर होते हैं ना, वैसे ही बिल्कुल। ठीक है, एक इंस्पेक्टर होता है, उसके अंडर में उसके नीचे सब इंस्पेक्टर होते हैं। ठीक है, और जो मुख्यमंत्री होते हैं और ऐसे ही उप मुख्यमंत्री जो होते हैं, ठीक है, उसके अंडर में होते हैं, उसके अंदर होते हैं, उसके उसमें शामिल होते हैं। ठीक है, उनका कोई अलग से अस्तित्व भी होता है, लेकिन वो एक बड़े समुच्चय का एक हिस्सा होते हैं, एक बड़े चीज़ के पद का एक हिस्सा होते हैं। ऐसे ही बी एक पूरा सेट है, उस सेट के कुछ अवयव मिल करके एक नया सेट बना रहे हैं। जो नया सेट बन रहा है वो इस बड़े सेट का, एक बड़े समुच्चय का उपसमुच्चय है, एक छोटा सा भाग है। ऐसी स्थिति में आपने समझ लिया कि ए के सभी अवयव अगर बी में मिल रहे हैं तो ए क्या है, छोटा है। सबसेट का मतलब छोटा सेट, उसका हिस्सा होना। ठीक है, तो ए के सभी अवयव अगर बी में मिल रहे हैं तो ए बी का उपसमुच्चय है, तो ए बी का उपसमुच्चय है, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। ए बी का क्या है, उपसमुच्चय है। बात समझ में आ गई? ठीक है, बहुत बढ़िया, ये आपको समझ में आ गया कि ए बी का उपसमुच्चय है। यहाँ पे मुख्य रूप से अब यही होना चाहिए कि ए के ए वाला जो सेट है उसमें जितने अवयव हैं वो बी में होने चाहिए। अर्थात अगर किस कोई अवयव ए एलिमेंट है ए का, तो उसे ए का, ठीक है, तब इसका तात्पर्य है कि ए बी का भी एलिमेंट होना चाहिए, तभी जाके ए सबसेट बी होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। ठीक है, अच्छा, इसका उल्टा भूल सकते हैं, कई बार ऐसा कंफ्यूज हो सकता है कि आप ए इसको लिखने के बजाय ये लिख दो, यहाँ पे ए ऐसा लिखा जा सके, गलती हो सकती है, पर आपको याद रखना है कि ए सबसेट है बी का, ए सबसेट बी यानी ए उपसमुच्चय है बी का, तो जो छोटा वाला हिस्सा है वो आगे रहेगा। ऐसा पढ़ेंगे, पढ़ करके आप लिखेंगे तो आपको, आपसे ये वाली गलती नहीं होगी। अच्छा, ये वाला हो सकता है, लेकिन उसके लिए सवाल दूसरी होनी चाहिए। अभी जो हमारा सवाल है वो ये है कि ए सबसेट है ना कि बी है, कौन सबसेट है, ए सबसेट है, किसका है, बी का है। तो जो सबसेट होता है उसको आगे लिखा जाता है, जिसका होता है वो पीछे लिखा जाता है। एक बात ये भी समझेंगे, जो बड़ा होता है उधर की ओर मुँह खुला होता है। ठीक है, यहाँ देखेंगे यू जो बनाया गया है ऐसा वाला, तो जो बड़ा होता है, जो सेट बड़ा होता है उसकी ओर मुँह खुला होता है, जो छोटा होता है उसकी ओर मुँह बंद होता है। फॉर एग्जाम्पल, यही तो सिखाया गया था जब हम छोटे और बड़े वाले चिन्ह पढ़ रहे थे, ये वाला हिस्सा जब हम पढ़ रहे थे, तो एक क्या है, ये छोटा और बड़ा वाला चिन्ह, अगर जिसको नहीं पता है अच्छे से समझना है तो ये भाई समझो, एक तरफ छोटा सा दाना है, एक तरफ बड़ा सा दाना है, बीच में एक चिड़िया है। क्या है, चिड़िया, चिड़िया का मुंह भी नहीं बना हुआ, ये चिड़िया बड़े बड़े पंखों और पैरों वाली चिड़िया है। अब इसका देखिए, अगर इसको देखेगी तो उसका मुँह बंद हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसको बड़ा दाना चाहिए भैया,
तो दोनों देख रही है, तो इधर की ओर देखेगी तो उसका मुंह बंद रहेगा, और अगर इसकी ओर देखना है उसको तो क्या करेगी, मुंह खोल देगी, खाना है उसको, ठीक है। तो जो बड़ा होता है उधर की ओर मुंह खुला होता है, जो छोटा उधर उधर की ओर मुंह बंद होता है। यहाँ पे भी देखेंगे ये वाला हिस्सा बंद है, ये छोटा है, ये बड़ा है। फॉर बस ऐसे ही, एकदम ऐसे ही क्या है, यहाँ पे यू जो बना हुआ है, अगर बी बड़ा है, ठीक है, उधर की ओर बनेगा ये मुंह खुला रहेगा, जिधर की ओर सेट बड़ा रहेगा। तो हम ऐसा ऐसे ही बनाते हैं, तो बड़े वाले हिस्से को इधर की ओर रखेंगे, छोटे वाले हिस्से आगे की ओर रहेगा। समझ में आ गया। तो ये हो गया उपसमुच्चय, आपने अच्छे से समझ लिया। अब इससे रिलेटेड कुछ बहुत सारी चीज़ें आपको किताब में मिल जाएंगे, उनको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपको ये चिन्ह भी देखने को मिल जाएगा, एक तो आपने समझ लिया कि उपसमुच्चय है, दूसरा ये वाला हिस्सा मिल जाएगा उपसमुच्चय नहीं है। ये किस प्रकार से काम करेगा आइए समझते हैं दो अलग अलग उदाहरणों से। पहला एक उदाहरण लेते हैं, जैसे ए एक सेट है, उसमें एक और दो गिनतियाँ दी गई हैं, और बी एक सेट है जिसमें प्राकृतिक संख्याएं हैं, एक दो तीन चार पाँच सब सब वहाँ पे तीन डॉट लिखा करके बस छोड़ दिया हमने। तो यहाँ पे ये पूरी प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब आप कहेंगे कि ए क्या है, उपसमुच्चय है किसका, बी का। ये आपको समझ में आया, ये आपने सीख लिया था। मान लीजिए उपसमुच्चय नहीं हुआ तो किस कंडीशन में नहीं होगा, इसी सेट में हम ले लेते हैं एक सेट ए जिसमें एक दो बस जीरो एक दो तीन है, जीरो एक दो है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। एक समुच्चय है जिसमें जीरो एक दो है, इसमें एक दो रहा, ये अलग सवाल है, वो अलग सवाल है, इसमें जीरो एक दो है। और बी एक सेट है जिसमें आपका दिया गया है एक दो तीन, ये पूरा वही सेट दिया है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय दिया गया। अब जो जीरो होता है वो तो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, एक दो तो मिल रहा है, उससे मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि जीरो भी ना मिले। अगर जीरो इसमें नहीं मिल रहा है, ठीक है, इसकी पूरी गिनती तो इसमें नहीं मिल रही, इसकी भी गिनती इसमें नहीं मिल रही, कोई एक दूसरे का कॉमन नहीं, मतलब पूरी गिनतियाँ मिलनी चाहिए ना, पूरे अवयव मिलने चाहिए, इसके जो तीन अवयव हैं इसमें पूरे होने चाहिए, इसके जितने भी अवयव हैं इसमें होने चाहिए, ऐसी स्थिति होती है तब तो उपसमुच्चय बनने की बात आएगी। यहाँ पे कोई भी किसी का उपसमुच्चय नहीं है, कोई भी किसी का उपसमुच्चय नहीं है, तो हम एक जनरल आइडिया में कह सकते हैं कि ए बी का उपसमुच्चय नहीं है क्योंकि वो छोटा दिखाई दे रहा है, उसकी अवयव संख्या कम है। तो ए उपसमुच्चय नहीं है बी का, कारण क्या है कि ए में जीरो एक अवयव है जो कि बी में नहीं है, क्योंकि क्योंकि हम कह सकते हैं कि जीरो एलिमेंट ऑफ ए पर जीरो डज नॉट एलिमेंट, यहाँ पे अवयव नहीं है सेट बी का, ठीक है। जीरो अवयव ए का अवयव है पर बी का अवयव नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये सबसेट उसका उपसमुच्चय नहीं बन पाया है। एक अन्य उदाहरण देखेंगे, क्यू सबसेट आर दिया गया है। आर क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, और क्यों क्या है, ये परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों आती हैं, ठीक है, परिमेय प्लस अपरिमेय दोनों मिला करके आर बनता है, रियल नंबर बनते हैं। और जो क्यू है ये क्या है, परिमेय संख्याएं केवल हैं, तो क्यू जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं आर के अंदर मिल जाएंगी ना, क्यू के अंदर जितनी भी संख्या है वो आर के अंदर मिल जाएंगे, तो इस वजह से क्यू आर का उपसमुच्चय है। और आइए अब हम जानते हैं अधिसमुच्चय के बारे में। तो आपने उपसमुच्चय के बारे में भली भांति जान लिया कि अगर ए उपसमुच्चय ए के सभी अवयव बी में मिल रहे हैं, ए के सभी अवयव बी में दिखाई दे रहे हैं, तो इसे उपसमुच्चय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उपसमुच्चय कहा जाता है। तो जिस प्रकार से ए का रिलेशन बी के साथ है, उसी प्रकार बी का भी ए के साथ होगा, कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। जैसे कि जैसे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, हम कहेंगे ए क्या है, बी का पिता है, ए क्या है, बी का पिता है, तो बी भी ए का कुछ लगता होगा, भाई क्या लगता होगा, ये पुत्र लगता होगा, ठीक है। ऐसा ही सेम रिलेशन यहाँ पे है कि ए बी का उपसमुच्चय है, ए क्या है, बी का उपसमुच्चय है, तो बी ए का क्या है, तो आपने ये निशान देखा होगा, ये अधिसमुच्चय का कहलाता है। इसमें हम कहेंगे कि बी अधिसमुच्चय है ए का, बी
आधे समुच्चय है ए का। यहाँ पे समझेंगे कि ए पुत्र है बी का, तो बी पिता है ए का, ठीक है। उल्टा काम, ए उपसमुच्चय है बी का, तो बी अति समुच्चय है ए का। यहाँ पे वही मुंह खुला होने वाली बात, ध्यान से देखेंगे कि बी अभी भी बड़ा है, उसकी ओर मुंह खुला हुआ है। बी यहाँ पे बड़ा है, मुंह खुला हुआ है। अगर इसके लिए एक सेट लेना चाहेंगे, ए बराबर आप ले लीजिए, क्या ले लीजिए, एक और दो ले लीजिए, और बी बराबर दूसरा सेट ले लीजिए जिसमें एक दो तीन ले लेते हैं। इसमें हमको ये समझ में आता है कि ए के सभी अवयव बी में दिखाई दे रहे हैं, तो ए उपसमुच्चय है बी का, ए उपसमुच्चय है बी का, तो बी क्या है ए का, तो बी ए का अधिसमुच्चय है, अधिसमुच्चय है, ठीक है, बी अधिसमुच्चय है ए का। इसका उल्टा रूप ये होगा, ठीक है, समझ में आई बात। सो दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पिछले प्रश्नावली में आपको समुच्चय के कुछ विशेष प्रकार देखने को मिले थे, और हमने कहा था कि यही केवल प्रकार नहीं है, समुच्चय के और भी प्रकार होते हैं। यहाँ पे एक और हमें प्रकार देखने को मिल जाता है, इंट्रोड्यूस होता है नया प्रकार, समुच्चय का एक प्रकार है जिसको कहा जाता है एकल समुच्चय। अब एकल समुच्चय नाम से ही पता चल रहा है कि एक ही होगा, तो ऐसा समुच्चय जिससे अवयवों की संख्या केवल एक हो, एकल समुच्चय कहलाता है। इससे पहले आपने रिक्त समुच्चय पढ़ा ही था, रिक्त समुच्चय में आपने क्या पढ़ा था, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या शून्य, मतलब एक भी अवयव ना दिखाई दे रहा हो, तो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। आप उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, या फिर इन दोनों में से किसी एक चिन्ह द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। एकल समुच्चय जिसमें एक अवयव होता है, तो उसके लिए कोई विशेष चिन्ह की ज़रूरत नहीं है, तो उसको भी ऐसे बंद करके आप रख दीजिए। दो दो क्या है, सम अभाज्य संख्या है, ठीक है। हम कहेंगे सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो केवल दो ही एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य है, तो ऐसे में एकल समुच्चय। हम कहेंगे वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री का समुच्चय, वर्तमान प्रधान भारत के प्रधानमंत्री का समुच्चय, तो वर्तमान स्थिति में भारत का केवल एक ही प्रधानमंत्री हो सकता है, एक ही राष्ट्रपति हो सकता है, ठीक है, तो ऐसे में ये एकल समुच्चय हो जाएगा। तो ये स्थिति है, समझ में आई बात, आपने संख्याओं में देख लिया और एक सामान्य स्थिति में भी देख लिया कि एकल समुच्चय क्या है। और ऐसे आप कह सकते हैं कि इस चैनल पे वीडियो बनाने वाले व्यक्तियों का समुच्चय, तो इस चैनल पे हम अभी केवल अकेले हैं, ठीक है, एकल समुच्चय हो गया कि एक ही व्यक्ति वीडियो बना रहा है, हर तरह की वीडियो जो भी बना रहा है वो एक ही व्यक्ति बना रहा है, तो ये भी क्या हो गया, एकल समुच्चय हो गया। सो दोस्तों, हम यहाँ पे एक उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर हमने 9 लिया है। हमने सोचा कि ना उदाहरण भी बताते चले साथ में, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से उदाहरण भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो उदाहरण नंबर 9 देखते हैं, जो इस प्रश्नावली से पहले दिया गया है। क्या है, फाई दिया गया है, फाई का मतलब होता है रिक्त समुच्चय, ये एक प्रकार से एक समुच्चय है, ठीक है। ए बराबर आपको एक समुच्चय दिखाई दे रहा है जिसमें एक और तीन दिखाई दे रहा है, बी बराबर एक समुच्चय दिखाई दे रहा है, एक पाँच नौ दिखाई दे रहा है, और सी बराबर एक तीन पाँच सात नौ दिखाई दे रहा है, ऐसा है। हमें यहाँ पे चार प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, इन रिक्त स्थानों में हमको या तो उपसमुच्चय भरना है या फिर उपसमुच्चय नहीं है भरना है, बातों को समझेंगे और उपसमुच्चय बनाना शुरू करेंगे, समझेंगे। फाई बी का उपसमुच्चय है या नहीं है ये हमें बताना है, या तो ये ऑप्शन भरना है या तो ये भरना है, ठीक है, उपसमुच्चय है कि नहीं है। तो फाई, फाई मतलब खाली समुच्चय, फाई का मतलब होता है क्या, खाली समुच्चय, खाली मतलब ये होता है, ये रिक्त समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं है, तो बी में ढेर सारे अवयव हैं। तो इसमें से अब एक बात याद रखिए, एक बात समझ लीजिए, उपसमुच्चयों के बारे में जब भी बात समझ रहा हो, तो इसके जो अभी घात समुच्चय मिलेगा तब आपको अच्छे से सारी बातें समझ में आएंगे, लेकिन फिलहाल जान लीजिए कि अगर इसके उपसमुच्चय जब बनाने हो तो इसमें से कितने प्रकार के उपसमुच्चय बनाए जा सकते, कितने उपसमुच्चय बनाए जा सकते हैं, ये अभी आएगा घात समुच्चय के अंतर्गत आप सीखेंगे। तो ये जान लीजिए कि बी का उपसमुच्चय फाई हो सकता है, या फिर रिक्त समुच्चय बी का फाई, बी का उपसमुच्चय हो सकता है, और ये उपसमुच्चय हर एक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, ए का भी होगा, सी का भी होगा, बी का भी होगा, कोई भी गिनती हो सकती है, कोई भी समुच्चय ले लीजिए, हर एक समुच्चय का उपसमुच्चय फाई होगा, क्योंकि ये रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय हर एक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, ठीक। तो यहाँ पे ये इसका उपसमुच्चय है, अभी आपको समझ में आएगा, घात समुच्चय जब पढ़ने लगेंगे तो पल्ले पड़ेगी बातें, ठीक है। रिक्त समुच्चय जो भी होता है हर एक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, ओके। तो यहाँ पे ए बी का उपसमुच्चय है कि नहीं, ए के सभी अवयव बी में दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं, एक और तीन है, तीन इसमें नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ पे उपसमुच्चय होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, ये उपसमुच्चय नहीं होगा। कारण क्या है कि जो हमारे पास तीन है वो एलिमेंट है ए का, पर
तीन एलिमेंट नहीं है बी का, समझ में बात। ए का एलिमेंट तो तीन है पर बी का नहीं है, जिसकी वजह से ये उसका उपसमुच्चय नहीं हो सकता है। ए उपसमुच्चय है सी का, ए के सभी अवयव तीन में दिखा सी में दिखाई दे रहे हैं, एक तीन दिखाई दे रहे हैं, तो ये इसका उपसमुच्चय है, ठीक है। बी उपसमुच्चय है सी का, एक पाँच नौ दिखाई दे रहा है, ये भी इसका उपसमुच्चय है। ये सेक्शन थोड़ा सा प्यारा से बनाइएगा, अच्छा यहाँ पे बन नहीं रहा है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, पहला वाला ये महत्वपूर्ण चीज़ आपने सीख लिया कि कोई भी समुच्चय का उपसमुच्चय एक रिक्त समुच्चय उसका उपसमुच्चय होता ही है। सो दोस्तों दसवां जो उदाहरण दिया गया उसमें कहा क्या है कि एक सेट है ए, ए बराबर ए ई आई ओ यू दिया गया है, बी सेट है जिसमें ए बी सी डी दिया गया है, ए टू जेड पूरे नहीं दिया गया केवल ए बी सी डी दिया गया है। ऐसे में पूछ रहे हैं क्या ए उप समुच्चय है बी का, क्या ए उप का उप समुच्चय है, तो सीधे सीधे बात देखेंगे, ए में इतने सारे अवयव हैं और बी में अवयव की संख्या सीधे सीधे कम है, ए बी में अवयव की संख्या सीधे सीधे उनसे इससे कम दिया गया है। जब यहाँ पे अवयव की संख्या ही कम है तो मिलान करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वैसे भी ई आई ओ यू ये सारे जो चारों अवयव दिखाई दे रहे हैं वो बी में मिल ही नहीं रहे हैं, बी में नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या ए बी का उपसमुच्चय है, तो आप उत्तर देंगे नहीं, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये ए बी का उपसमुच्चय नहीं है, क्योंकि क्योंकि ई जो है वो एलिमेंट है ए का, पर ई ही किंतु लिख देंगे, परंतु लेकिन ई एलिमेंट नहीं है बी का, बस इतना सा कारण काफ़ी है कि अगर ई ए का एलिमेंट है तो बी का भी होना चाहिए, तभी ए उपसमुच्चय बी होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगला जो उदाहरण हमने लिया है उदाहरण नंबर 11 देखेंगे, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, सोचने विचारने वाला प्रश्न है, आपको ये समझ में आएगा जब हम बताना शुरू करेंगे। तो इसका उदाहरण और हल, मतलब ये उदाहरण है तो इसका हल भी यहाँ पे दिया गया, हम इसके हल को थोड़ा सा बदल के दिखाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बदला जा सकता है। भाई प्रश्न में आप देखते ही हैं कि कहा गया है कि मान लीजिए, सबसे पहले ही आपसे कहा गया है कि मान लीजिए, जब आपको मानना ही है तो आप कुछ भी मान सकते थे। फिलहाल ए बी सी तीन समुच्चय हैं जिसमें ए बी का अवयव है, ए बी का अवयव है और बी सी का उपसमुच्चय है, तो ए सी तो क्या सत्य है कि ए सी का उपसमुच्चय है, ऐसा है। अर्थात यहाँ पे तीन समुच्चय दिए गए हैं, कहा गया है कि ए बी का अवयव है जबकि बी सी का उपसमुच्चय है, तो हमें बताना है कि क्या ए सी का उपसमुच्चय है, ऐसा सही है कि गलत है। तो एक उदाहरण से हमको बताना है, तो भाई एक उदाहरण हम ले लेते हैं कि एक बराबर कोई जो सेट है ए उसके बराबर हम यहाँ पे गिनती ले लेते हैं, ठीक है, एक सेट में एक गिनती ले लेते हैं, जो बी सेट है समुच्चय है उसमें हम ए को भी रखेंगे, क्योंकि यहीं पे कहा गया है कि ए बी का अवयव है। अवयव होने का मतलब है ए वाला सेट का जितना भी ये पूरा हिस्सा दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा ब्रेकेट के साथ इसके अंदर है, ठीक है, समझ में आई बात, ब्रैकेट के साथ। अवयव होने का अर्थ यही होता है, अवयव होने का अर्थ यही होता है, यह पूरा मटेरियल जो दिखाई दे रहा है ब्रैकेट के साथ, अगर इसमें तीन से चार अक्षर होते हैं वो पूरा का पूरा इकट्ठा उठा के, अर्थात अगर हम यहाँ पे तीन भी दे देते हैं तो ये पूरा का पूरा, पूरा का पूरा का मतलब ये ऐसा, ठीक है, ऐसा पूरा का पूरा उठा के उसमें रखा जाएगा तभी इसका अवयव हो पाएगा। और ये डबल ब्रैकेट आप कहेंगे दिखाई दे रहा है इसका क्या करें, तो क्या हम इसको बड़ा ब्रैकेट बना दे, तो ऐसा नहीं है, इसको ऐसा ही रहने देते हैं, मझले ब्रैकेट में ही रहेगा, भले भी दो बार इसको एक साथ लिखना पड़े लेकिन मझले ब्रैकेट में ही रहेगा। तो अगर ए बी का उपसमुच्चय अवयव है तो ए तो बी के अंदर आ गया, बी में कुछ और भी हो सकते हैं, ठीक है, हम चार और पाँच भी रख लेते हैं कि इसके अंदर हैं, ठीक है, ऐसी बातें हैं। अब यहाँ पे दिया गया है कि बी सी का उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय होने का अर्थ है कि ब्रैकेट के साथ नई चीज़ें जाएंगे, उसके एक एक अवयव जाएंगे, यानी सी वाला जो मटेरियल होगा अगर इसमें रखा जाएगा तो बी वाला, देखिए जैसे कि यहाँ पे अवयव होने की बात कही गई थी, अवयव होने का अर्थ है कि ब्रैकेट के साथ अंदर रखा जाएगा और इसमें कोई फेरबदल नहीं, जैसा यहाँ पे छपा है वैसे वैसे रखा जा सकता है, रखा जाएगा। और जब
यहाँ पे उपसमुच्चय की बात की जाएगी। उपसमुच्चय के बाद यानी इसके सभी अवयव इसके अंदर भी होंगे और इसके पास कुछ एक्स्ट्रा अवयव भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, संभावना है, वो सारी चीजें समझ में आएंगी अभी उचित उपसमुच्चय की जब बात आएगी तब। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे हमने हमें क्या करना है कि सी की जगह ये सारे अवयव तो होने चाहिए। ठीक है, ये दो तीन रहेगा, ये चार भी रहेगा, ये पाँच भी रहेगा, एक छः भी ले लेते हैं, ऐसा एक हिस्सा है। यानी कि ये पूरा जो है ये पूरे के बी वाले समुच्चय के सभी अवयव आपको सी में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब क्या ए सी का उपसमुच्चय है? तो ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो कहेंगे ए सी का, ठीक है, ये जो उपसमुच्चय है, ठीक है, ये नहीं है, ए सी का उपसमुच्चय नहीं है। कारण क्या है कि ए जो सेट है इसमें आपको दो मिल जाएगा, ए जो दो है वो एलिमेंट है किसका, सॉरी एलिमेंट है, एलिमेंट है किसका, ए का, दो जो है वो ए का एलिमेंट है, लेकिन जो दो है वो एलिमेंट नहीं है सी का। देखिए सी के अंतर्गत दो नहीं आ रहा है, ये जो समुच्चय है ये पूरा का पूरा सेट ही सी के अंदर रखा हुआ है, सी के अंदर ये अकेला दो नहीं, मतलब ये समझिए जैसे चार अकेला घूम रहा है, हम कह सकते हैं कि चार एलिमेंट है सी का, पर दो को नहीं कह सकते हैं कि वो इसका एलिमेंट है। हम कहेंगे ये पूरा पूरा बंडल, यानी कि ब्रैकेट के साथ ये जो हम दिखाई दे रहा है ना दो कॉमा तीन, ये पूरा बंडल जो मिल रहा है ये एलिमेंट है सी का। ठीक है, बात समझ में, ये पूरा का पूरा बंद करके इकट्ठा बंडल बन करके तब जाके उस सी का एलिमेंट हो पाएगा, और अकेले दो सी का एलिमेंट हो ऐसा नहीं हो सकता है। तो सी जो हमें समझने को है वो ये है कि दो ए का एलिमेंट तो है पर दो सी का एलिमेंट नहीं है, जिसकी वजह से ए सी का उपसमुच्चय नहीं हो सकता है। अब हम इन चीज़ों को भी सीख लेते हैं जिन्हें उपसमुच्चय और उचित उपसमुच्चय का नाम दिया गया है। इनमें ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर है जो आपको विशेष रूप से समझ लेना है। उपसमुच्चय का जो मतलब आपने समझा था वही परफेक्ट है। देखिए एक अगर उपसमुच्चय का एक तरीका देखा जाए कि एक ए ऐसा सेट है जिसमें एक और दो गिनतियाँ हैं, और बी एक ऐसा सेट है जिसमें भी एक और दो गिनतियाँ हैं, ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है स्थितियाँ। तो यहाँ पे ए में जो एक और दो है बी में भी एक और दो है, ऐसे में कह सकते हैं कि आप ए बी का उपसमुच्चय है ये कह सकते हो। ठीक है, बिल्कुल कह सकते हो, क्योंकि ए में जितने भी अवयव हैं वो बी में भी हैं, और आप ये भी कह सकते हो कि बी भी उपसमुच्चय है किसका, ए का, ये चीज़ें बन सकती हैं। ठीक है, उपसमुच्चय के अंतर्गत आपके पास ए में कोई गिनतियाँ कम भी हो तब पर भी परफेक्टली उपसमुच्चय कह सकते हो। जैसे कह सकते हो कि आपके अंदर आपके पास क्या है केवल एक था, तो अब ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं कि ए बी का उपसमुच्चय है, पर आप ये नहीं कह सकते। ठीक है, आप ये नहीं कह पाएंगे, मान लीजिए इसमें दो होता, ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं कि तब पर भी आप कह सकते हैं कि ए बी का उपसमुच्चय है, तब ये भी कह सकते हैं, लेकिन अभी इसको हमको समझने की ज़्यादा मानने की ज़रूरत नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि एक और दो अगर बराबर बराबर है, यानी दोनों में अवयव की संख्या बराबर है, तो ए भी बी का उपसमुच्चय है, बी भी ए का उपसमुच्चय है, यानी उपसमुच्चय ऐसे भी कंडीशन में काम करते हैं। उचित उपसमुच्चय क्या कहता है? उचित उपसमुच्चय कहता है कि जो भी इसमें अवयव है इसमें भी होने चाहिए, बी में भी होने चाहिए, लेकिन बी में एक एक्स्ट्रा अवयव होना चाहिए, ठीक है, तभी उचित उपसमुच्चय कहलाएगा। मतलब कि अगर ये वाली कंडीशन इसमें आ जाए, ठीक है, बाकी सब जो आपने अभी तक सीखा है वो उपसमुच्चय भी कहलाएगा, उचित उपसमुच्चय भी कहलाएगा। यहाँ वाली जो कंडीशन है इस कंडीशन में ए बी का उपसमुच्चय तो कहलाएगा पर उचित उपसमुच्चय नहीं कहलाएगा। उचित उपसमुच्चय कहलाने के लिए बी में अवयवों की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे ए में आपको एक और दो मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में बी में अगर एक दो और तीन है तब ए बी का उचित उपसमुच्चय कहलाएगा। और अगर हर बार यही स्थिति बन रही थी अभी तक जितने उदाहरण आपने पीछे देखे सब में उचित उपसमुच्चय बन रहा था, लेकिन उचित उपसमुच्चय का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि ये भी उपसमुच्चय है, ठीक है,
पर ये उचित उपसमुच्चय नहीं हो सकता। उचित उपसमुच्चय होने से उपसमुच्चय का थोड़ा सा अलग भाग होने के लिए बस इतना सा होना चाहिए कि अगर ए एक समुच्चय है और इसके सभी अवयव बी में मिल रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि बी के पास एक ऐसा अवयव हो जो ए में ना हो, ठीक है, या फिर उसके पास एक एक्स्ट्रा अवयव हो, ज़्यादा होना चाहिए, तब उपसमुच्चय कहलाए, तो थोड़ा सा उचित लगता है, अच्छा लगता है, इसलिए इसे उचित उपसमुच्चय नाम दिया जाता है। उपसमुच्चय वाला जो चिन्ह बनाया जाता है वैसे इसमें भी बनाया जाता है, बीच में एक लाइन खींच दी जाती है, ये उचित उपसमुच्चय को रिप्रेजेंट करने के लिए होती है। हालांकि इसका इतना ज़्यादा महत्व नहीं है, ठीक है, आप इस उपसमुच्चय इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है, इन दोनों में कोई गलत नहीं है, कोई डिफरेंट नहीं है, ठीक है, बस इतना सा डिफरेंट है कि जब उचित उपसमुच्चय या फिर उपसमुच्चय जब पूछने लगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर बी के पास अवयव संख्या ज़्यादा है, मतलब हूबहू अगर मिल रहा है, तब ये उचित उपसमुच्चय नहीं हो सकता, बाकी आइदर हर एक कंडीशन में आपका उचित उपसमुच्चय होगा। सो दोस्तों, अंतराल आर के उपसमुच्चय के रूप में ये एक अगली हेडिंग है जिसको हमको समझना है। अंतराल आर, आर मतलब ये हो जाता है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, जितने रियल नंबर होते हैं उन सभी को आप संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बीच में आप जीरो रखते ही हैं, इधर एक रखते हैं, इधर माइनस एक रखते हैं, ये जो होता है पूर्णांकों का एक संख्या रेखा बन जाती है। लेकिन वास्तविक संख्याएं तो सब इसी पे रिप्रेजेंट की जाती है, सब इसी पे होती है, तो ये पूरा वास्तविक संख्याओं का एक संख्या रेखा हो गई है। अब इस पर, ठीक है, आर का मतलब कोई नंबर कुछ अंतराल ले लेते हैं, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक की जितनी संख्याएं होंगी वो सब की सब क्या हो जाएंगी, एक समुच्चय के रूप में निर्धारित की गई है, इसको रिप्रेजेंट करना है। समझे कि बात समझिए भैया, कि कुछ नंबर्स लिए जाएंगे, इन दोनों के बीच तक जितने संख्याएं होती हैं वो इस समुच्चय, खास समुच्चय में आ रही हैं, या फिर किसी संख्या कहीं से कहीं तक की दूरी का एक समुच्चय बनाया जा सकता है। यहाँ पे एक अच्छा उदाहरण ये समझने को आता है कि भैया कई बार सवालें होती हैं जिनका जो हल करने पर मान जो होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक निर्धारित किया जाता है। जैसे आपने सीखा था कक्षा 10 में ही आपको मिल गया था साइन थीटा का मान, साइन थीटा की वैल्यू आपने पढ़ी थी, आपने समझा था कि उसका मान क्या होता है, प्लस एक से माइनस एक के बीच होता है, प्लस एक से माइनस एक के बीच में होता है, यानी यहाँ से यहाँ तक कि सभी संख्याएं जो होती हैं वो इसका हल है, साइन थीटा का हल है। साइन के अलग अलग मानों के लिए अलग अलग मान जो मिलेंगे वो प्लस एक से माइनस एक के बीच ही रहेंगे, इससे पार नहीं जाएंगे, ये आपने समझा था, हल्का सा समझा था। तो यहाँ पे आप इनके बीच में जितनी संख्याएं होंगी वो आप निर्धारित कर सकते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक के जो भी मान होंगे वो साइन थीटा के मान हैं, साइन के अलग अलग एंगल के मान हैं। तो इसीलिए संख्या रेखा पर जो वास्तविक संख्याएं होते हैं उनके पूरी वास्तविक संख्या यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरे वास्तविक संख्याएं उनके एक पर्टिकुलर पार्ट से एक हिस्से से दूसरे हिस्से के बीच की संख्याओं का जो समुच्चय बनेगा वो कहलाएगा अंतराल आर के उपसमुच्चय के रूप में। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग, क्योंकि कंडीशन क्या होती है, कई बार ये होता है कि हमको ये नंबर्स जो दिए गए हैं इन दोनों को बीच में लेना है, इनको नहीं लेना है, ठीक है। कई बार होगा कि इन दोनों को लेकर भी, जैसे साइन थीटा की वैल्यू के बारे में, प्लस एक और माइनस एक को भी लेना होगा, ठीक है, और कुछ कंडीशन में ऐसा होगा कि प्लस एक को लेना होगा, माइनस एक को नहीं लेना होगा, ये कंडीशन भी बनती है। टोटल चार प्रकार की कंडीशन बनती है, उनको कैसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, कैसे कैसे समझा जाएगा, आइए देखते हैं। तो टोटल ये रहे वो चार प्रकार के प्रकार जिस जो समुच्चय बनेंगे। तो पहला समुच्चय देखते हैं, देखिए संख्या रेखा पर हम दो संख्याओं ए और बी, ये देखिए ए और बी वास्तविक, ये जो दो ए और बी हैं ये क्या है, अवयव है रियल नंबर के। अब ए और बी दो संख्याओं के बीच की सभी संख्या लेनी है, ए और बी को छोड़ देना है, ए और बी को, देखिए यहाँ पे खाली जगह, खाली गोला बनाने का मतलब है ए और बी को छोड़ देना, और काला रंग बना देने का मतलब उन दोनों को साथ में लेना। तो खाली बनाने का मतलब इन दोनों को छोड़ दिया, इसका मतलब क्या हो गया, ए और बी के बीच के ये जो नीली लाइन दिखाई दे रहा है ये पूरा लेना है, बस ए और बी को छोड़ देना है, इनके बीच के मानों को लेना है। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम देखिए छोटा ब्रैकेट प्रयोग करते हैं। ये छोटा ब्रैकेट मतलब क्या, देखिए अगर आप ऐसा बनाते हैं ए और बी लिखते हैं तो इसमें इसका मतलब होता है, ठीक है, मझले ब्रैकेट का मतलब होता है कि ए और बी अकेले लिया गया है, और अगर ए से बी तक का लेना है
और इसको इतना लंबा सा लेकर के छोटे से रिप्रेजेंट कर देना है। तो इसका मतलब क्या है, ए और बी तक की जो संख्याएं हैं उनके बीच का लेना है, ए और बी को छोड़ देना है। तो यहाँ पे इसको दूसरे तरीके से कहा जाएगा कि वाई सच दैट ए से बड़ा है वाई और बी से छोटा है वाई, और इसके बीच में है, ना तो ए के बराबर है ना ही बी के बराबर है। यह पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि हम ए और बी दोनों को भी शामिल करेंगे इस समुच्चय में, ए और बी को भी शामिल करेंगे, उनके बीच की संख्याएं तो शामिल करेंगे ही, वो तो है ही, लेकिन ए और बी दोनों को शामिल करेंगे। ऐसी स्थिति में इसको बड़े ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है, ए कॉमा बी लिखा जाता है, बड़े ब्रैकेट में लगा दिया गया है। और इसके बराबर क्या होगा, वाई सच दैट ए, ठीक है, लेस देन इक्वल वाई, यानी कि वाई के मान ए से बड़ा है और उसके बराबर भी है, और बी से छोटा है और बी के बराबर भी है, यानी कि दोनों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये होगी कंडीशन। जैसे साइन थीटा की वैल्यू हमने बताई थी कि प्लस एक से माइनस एक तक की जो संख्या है उन सभी को लेना है, साथ में उन दोनों को भी लेना है, तो वो इस कंडीशन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, बात समझ में आई। और इन्हीं का एक बदला हुआ रूप है जो तीसरा और चौथा प्रकार है, इनसे अलग नहीं है। ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि आप देख रहे हैं कि ए को लिया गया है, बी को नहीं लिया गया है, यानी यहाँ से शुरुआत की गई, बी तक पहुँचे, बी को लिया नहीं, उससे पहले वाली सभी संख्याओं को यहाँ में शामिल कर लिया गया। ऐसे में जिसको लिया जाता है उधर की ओर बड़ा ब्रैकेट बनाया जाता है, जिसको नहीं लेना है उसके ओर छोटा ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे दोनों नहीं ले रहे, दोनों तरफ छोटा ब्रैकेट, इसको दोनों ले रहे थे दोनों तरफ बड़ा ब्रैकेट, इसमें जिसको लेना है उसका और बड़ा ब्रैकेट, जिसके ओर नहीं लेना है उसके ओर छोटा ब्रैकेट, ये लगा देना है। और यहाँ पे देखें वाई सच दैट वाई ए, देखिए ए को अगर लेना है तो यहाँ पे इसके साथ इक्वल लगेंगे, लेस देन, ठीक है, इक्वल वाई एंड लेस देन बी, यानी कि बी से छोटा है, यानी बी को नहीं लेना है पर ए को लेना है और ए से बड़ी सभी संख्याओं को लेना है, तो वाई की वैल्यू ये हो गई। अब यही का ठीक अपोजिट, यानी कि आपकी बार ए को नहीं ले रहे हैं बी को ले रहे हैं, ठीक है, ए को नहीं ले रहे हैं बी को ले रहे हैं, तो जिसको ले रहे हैं उधर की ओर बड़ा ब्रैकेट, जिसको नहीं ले रहे उसको छोटा ब्रैकेट, और वो क्या है वाई सच दैट ए, ठीक है, यहाँ पे लेस देन वाई लेस देन इक्वल बी, ठीक है, तो वाई का जो मान है वो बड़ा है, वाई का मान ए से बड़ा है और वाई का मान बी से छोटा है और उसके बराबर है, यानी कि बी को भी लिया है लेना है। तो यहाँ पे इस चीज़ को समझना थोड़ा सा बस इतना सा काम है कि हमें यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट लगाना होगा ये हमको पता होना चाहिए। अगर दोनों ही संख्याओं को नहीं लेना है तो छोटा ब्रैकेट लगाना है, दोनों ही संख्याओं को लेना है तो बड़ा ब्रैकेट लगाना है, और किसी एक संख्या को लेना है दूसरी वाली सीमा को नहीं लेना है, तो जिसको लेना है उसके साथ बड़ा ब्रैकेट, जिसको नहीं लेना है उसके साथ छोटा ब्रैकेट, ये सिंपल सा काम है। और ये उसका गणितीय अंकन है, ठीक है, ये है समुच्चय निर्माण विधि में लिखा गया, ये रोस्टर रूप में लिखा गया है, ये इसका चित्र माध्यम है कि चित्र से आप समझें कि यहाँ से यहाँ तक की संख्याओं को लेना है या फिर यहाँ से नहीं लेना है। तो ये हो गई बातें खत्म। आइए जानते हैं घात समुच्चय क्या है। ठीक है, घात समुच्चय वास्तव में क्या है, देखिए किसी कोई समुच्चय दिया गया है उसके जितने उप समुच्चय बनाए जा सकते हैं घात समुच्चय वही कहलाता है। जैसे एक समुच्चय ले लेते हैं ए, ठीक है, ये ए एक समुच्चय है जिसमें अवयव हैं एक और दो, बस सिंपल से अवयव लेते हैं एक और दो लेते हैं। अब इसके जितने उप समुच्चय बनाए जा सकते हैं उन समुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाएगा। घात समुच्चय है तो पी से रिप्रेजेंट किया जाएगा, पी ए लिखने का मतलब हो गया ए का घात समुच्चय, ए का घात समुच्चय। अब ये कैसे लिखा जाएगा अभी यहाँ पे देखेंगे, इसको हम थोड़ी देर बाद समझेंगे, पहले इसके उप समुच्चयों को बना लेते हैं। तो भाई क्या है कि हमने पहले बताया था कि रिक्त समुच्चय जो होता है हर एक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, तो इसका भी समुच्चय एक होगा फाई, फाई क्या हो गया इसका रिक्त समुच्चय। फिर एक एक अवयवों को लेंगे, जैसे ये इसका एक अवयव एक है तो इससे भी एक उप समुच्चय बनाया जा सकता है, ये एक समुच्चय हो गया। दूसरा क्या है, दो ले लेते हैं, ये भी एक उसका उप समुच्चय बन सकता है। ठीक है, पहले एक एक लिया, फिर दो दो लिया, फिर तीन तीन लिया, फिर चार चार लिया, ऐसे अगर अवयव की संख्या अगर ज़्यादा है इसमें तो संख्या तो हम बढ़ाते ही जाएंगे। तो यहाँ पे मैक्सिमम अब यहाँ पे अवयव संख्या दो ही है, तो इसके अवयव कितने, इसके उप समुच्चय के लिए ठीक है, पहले खाली लिख लिया है, फिर सिंगल सिंगल को ले लिया है, फिर डबल डबल को लेना है, तो जब डबल लेने लगेंगे तो एक और दो लेंगे, उसके बाद इसके पास अवयव बचे ही नहीं है, तो बस इतना सा बचा ही, इतना मैक्सिमम बनना था ये बन चुका है। तो ए एक समुच्चय है जिसमें अवयव संख्या
दो ठू है, दो अवयव है, एक और दो। इसके उपसमुच्चयों के संग उपसमुच्चय जो बन सकते थे वो इतने बने हैं। और इनको अगर मछली ब्रैकेट में बंद कर दिया जाए तो ये एक प्रकार का समुच्चय बन जाएगा। जब तक ब्रैकेट में नहीं था तब तक समुच्चय नहीं था, ब्रैकेट में बंद कर दिया तो ये उपसमुच्चय बन गया है। और ये जो समुच्चय कहलाएगा ये घात समुच्चय कहलाएगा और इसको पी ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कोई भी समुच्चय के उपसमुच्चयों का समुच्चय उसका घात समुच्चय कहलाता है। और इसके घात समुच्चय में उसके नंबर्स की संख्या, अब देखिए यहाँ पे एन ए कहेंगे तो ये कहलाएगा इसके अवयवों की संख्या। ठीक है, समुच्चय ए में कितने अवयव हैं, वो हैं दो। और उसके घात समुच्चय में यानी कि पी ए, इसमें कितने अवयव हैं एन, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? क्या और एक कोष्टक बनाना पड़ता है? हाँ बनाना तो पड़ता है, लेकिन ये वाला कोष्टक ना बना करके ये बनाया जाता है, ये बनाया जाता है। अब इसमें इसके घात समुच्चय में कितने अवयव हैं, एक दो तीन और चार, चार अवयव हैं। ठीक है, और इनके माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि जो भी घात समुच्चय बनता है उसमें अवयवों की संख्या कितनी होती है। आपने देखा कि नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने ए में एलिमेंट हैं उनकी संख्या आपको क्या है, दो दी गई है। और आपने देखा कि घात समुच्चय में, उसके घात समुच्चय में कितने अवयव हैं, आपने देखा एक दो तीन चार ठी मिल गए थे। ठीक है, अब यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि आपको समुच्चय दे दिया जाता है, समुच्चय के अवयव की संख्या दे दी जाती है, उसके घात समुच्चय के अवयव की संख्या डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो अगर नंबर ऑफ, ठीक है, एलिमेंट निकालना है, उसके पावर है, ठीक है, घात समुच्चय के अवयव की संख्या निकालना है, तो दो की घात है वो लगा देंगे जो उसके अवयव की संख्या है, इसमें जितने अवयव हैं उसकी घात लग जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, यानी ए के कितने अवयव हैं वो घात के रूप में लगे, दो की घात है उतना लगा दीजिए, ऐसे में आपको मिल जाएगा कितने अवयव हैं। जैसे मान लीजिए किसी समुच्चय में, कोई समुच्चय बी है, उसके अवयवों की संख्या क्या है, तीन है। तो अगर उसके घात समुच्चय में अवयवों की संख्या आपसे पूछी जाए, ठीक है, उसके घात समुच्चय में अवयवों की संख्या पूछी जाए तो दो की घात आप तीन बता देंगे, दो की घात आप तीन बता देंगे, दो दुनिया चार दुनिया आठ, आपका उत्तर कितना आ जाएगा, आठ। ये हो गई बात। सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय अंग्रेजी में से कहा जाएगा यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट को यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। यूनिवर्सल सेट जो नाम है वो यूनिवर्स से मिलकर बना है, यूनिवर्स से बना है। यूनिवर्स का मतलब होता है संपूर्ण संसार, पूरा ब्रह्मांड। तो हर एक समुच्चय जिस बड़ी से समुच्चय का एक हिस्सा होगा, एक उपसमुच्चय होगा, वही यूनिवर्सल सेट कहलाता है। कोई भी एक समुच्चय ले लीजिए वो जिससे मिलकर बना हो, फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि अगर हम कहें कि ए ई आई ओ यू, ये एक सेट है, और आपको तुरंत ऐसे ही अपने आप ही समझ में आ रहा होगा कि ये किस सेट से निकला है, ये ए बी सी डी से निकला है, ए बी सी डी अल्फ़ाबेट से निकला है, पूरा जेड तक का जो अल्फ़ाबेट होता है उसमें से ये निकला हुआ है। तो यू, ये जो हमको पूरा अल्फ़ाबेट वाला सेट मिल रहा है ये क्या कहलाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा, किसके लिए, इसके लिए। कुल मिलाकर आप यूँ समझिए कि एक ऐसा सेट, बहुत बड़ा से संख्याओं वाला या फिर अक्षरों वाला अवयवों वाला है, एक ऐसा सेट जिसमें से निकल कर कि एक छोटा सा सेट आया हुआ है, ये इसका मतलब, इसका ये उपसमुच्चय होगा, हर हाल में होना चाहिए, तो ये कहलाता है सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक है, यूनिवर्सल, यूनिवर्स से मिलकर बना है, इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक बड़ा सा समुच्चय जिसके उपसमुच्चय ये दिए गए हों, या फिर हर एक हो सकता है, मे बी मतलब जो भी होना है वो हो सकता है, ये कहलाता है सार्वत्रिक समुच्चय। अब यहाँ पे एक उदाहरण ऐसे समझ सकते हैं कि एक विद्यालय है, विद्यालय क्या है, विद्यालय, उसमें अलग अलग क्लास एक से लेकर के बारह तक की जो क्लासेज हैं उनमें हर एक क्लास में अलग अलग बच्चों की संख्या का जो है एक छोटा सा हिस्सा जो कहलाएगा वो अपना सेट कहलाएगा, एक का दो का तीन का हर का अपना अलग सेट कहलाएगा। और उस एक क्लास में भी जो लड़के होंगे, जो लड़कियाँ होंगी, उनका एक अलग समुच्चय बनेगा। अब ये सभी समुच्चय कहाँ से मिलकर बने होंगे, एक विद्यालय के पूरी संख्या के साथ में, ठीक है, विद्यालय के जो पूरा
पूरे छात्र हैं, पूरे स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके समुच्चय से ये सभी उप समुच्चय छोटे छोटे निकले हैं। तो विद्यालय क्या कहलाएगा? सार्वत्रिक समुच्चय। विद्यालय के बच्चों की संख्या क्या कहलाएगी? सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगी। दोस्तों अब हम पहला प्रश्न देखते हैं प्रश्नावली का, जिसमें हमसे कहा गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जिसमें आपको उप समुच्चय है अथवा उप समुच्चय नहीं है ये भरना है। इसके पहले प्रश्न को देखेंगे। पहले प्रश्न में आपको सेट में पहला वाला सेट दिखाई दे रहा है, 2, 3, 4, पीछे वाला सेट दिखाई दे रहा है 1, 2, 3, 4। क्या 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 में है? तो आप देख सकते हैं 2, 3, 4 पीछे वाले सेट में दिखाई दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में देखिए आपको आगे वाले सेट में 2, 3 और 4 दिखाई दे रहा है, पीछे वाले सेट में 1, 2, 3, 4 और 5 दिखाई दे रहा है। आपको देखना है क्या ये सभी इसमें दिखाई दे रहे हैं? हाँ दिखाई दे रहे हैं। जब दिखाई दे रहे हैं तो ये भर देना है यानी इसका उप समुच्चय है, और नहीं दिखाई दे रहा होता तो हम काट देते हैं, ठीक है। दूसरा वाला देखते हैं। दूसरे वाले में आपका देख रहे हैं कि आगे दिया गया है ABC, पीछे वाले में दिया गया है BCD। तो यहाँ पे A आपको नहीं मिल रहा है, आगे वाले में जो A है पीछे वाले में नहीं दिखाई दे रहा, तो सामान्य सी बात है उपसमुच्चय नहीं है। अगला है तीसरा वाला, आप देखेंगे आगे वाले में क्या दिया गया है, यक्स इज दैट, यक्स आपके विद्यालय के कक्षा 11 के एक विद्यार्थी, यहाँ पे क्लास 11th का एक स्टूडेंट का नाम दिया गया है, फिर पूरे स्टूडेंट का एक समुच्चय बना हुआ है, कक्षा 11 के बच्चों का समुच्चय बना हुआ है। दूसरा दिया गया है यक्स इज दैट, यक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी, यहाँ पे पूरा विद्यालय, ठीक है, विद्यालय के बारे में बात कही जा रहे हैं। और अभी हमने बताया था कि विद्यालय जो होगा यूनिवर्सल सेट होगा और उसका उपसमुच्चय होगा कक्षा 11 के, 12 के, 1 के, 2 के सभी विद्यार्थी। तो ये इसका उपसमुच्चय होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, क्योंकि 11 के विद्यार्थी आपके विद्यालय में तो पढ़ते ही हैं, कोई बाहर से तो आके बैठा नहीं है, ठीक है, दूसरे विद्यालय वाला आके क्लास में बैठा हुआ आपके स्कूल में पढ़ रहा हो, दूसरे विद्यालय को ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। तो कक्षा 11 के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो आपके विद्यालय में पढ़ते हैं, इसलिए ये इसका उपसमुच्चय होगा, ठीक है। आपको पूरा उतार करके ये वाला चिन्ह बना देना, बस सिंपल सी बात है। चौथा प्रश्न देखते हैं, कह रहे हैं यक्स इज दैट, यक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त, यहाँ पे समतल में स्थित एक वृत्त का एक सेट दिया गया है, वृत्तों का एक सेट दिया गया है। दूसरी ओर हमको दिया गया है यक्स इज दैट, यक्स एक समतल में समतल वृत्त, समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है, ठीक है। इधर वाले जो वृत्त दिए गए हैं उनकी जो है त्रिज्या मानी गई, स्पेशल मानी गई है, तो क्या ये सही हो पाएगा? क्या ये इसका उपसमुच्चय बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। ये वृत्तों का जो समुच्चय है उसको पीछे रहना चाहिए, ये आगे होता तब उपसमुच्चय बन पाता, क्योंकि यहाँ पे हर आकार के वृत्त बनाए जा सकते हैं और यहाँ पे वही वृत्त लिए जाएंगे जिनके जो इकाई है 1 होनी चाहिए। इकाई मतलब 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 मीटर, 1 किलोमीटर, 1 हेक्टोमीटर, 1 डेकामीटर, यही त्रिज्या वाले वृत्त हो सकते हैं। तो इनकी संख्या तो बहुत कम हो गई भाई, इससे तो बहुत कम हो गया, तो ये इसका उपसमुच्चय बन पाएगा? बिल्कुल नहीं बन पाएगा, ठीक है, ठीक है, ये इसका उपसमुच्चय नहीं है। पांचवा प्रश्न देखेंगे, कहा कि यक्स इज दैट, यक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज, यहाँ पे कोई भी एक त्रिभुज लिया गया है, एक त्रिभुज का मतलब होता है त्रिभुजों का समुच्चय, ठीक है, यहाँ पे सभी त्रिभुज आ गए हैं, इसमें कोई भी माप ओप नहीं दी गई है, सभी प्रकार के त्रिभुज आ गए। दूसरे वाले हिस्से में देखते हैं यक्स इज दैट, यक्स किसी समतल में स्थित एक आयत, आयत यहाँ पे दिया गया है, जो आयत दिया गया है, आयतों का समुच्चय दिया गया है। क्या त्रिभुज आयत से मतलब आयत में सम्मिलित होते हैं? तो त्रिभुज एक अलग आकृति होती है, आयत बिल्कुल ही अलग आकृति होती है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, आयत से त्रिभुज बन ही नहीं सकता, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे समबाहु त्रिभुज दे दिया जाता, समबाहु त्रिभुज दे दिया जाता और यहाँ पे त्रिभुज दे दिया जाता, तब हम कहते हैं कि ये इसका सबसेट है, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, आयत का सबसेट नहीं हो सकता, त्रिभुज कभी नहीं हो सकता। पांचवा हिस्सा, छठा हिस्सा देखेंगे क्या है, कहा गया है कि यक्स इज दैट, यक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज, लो समबाहु त्रिभुज को दे दिया गया है, और दूसरा आलम दिया गया है यक्स इज दैट, यक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज। तो भाई यहाँ पे तो मैंने ऐसे ही एग्जाम्पल लिया था, पढ़िए तो क्वेश्चन ही आ गया, तो यहाँ पे इसका समुच्चय है, ठीक है, छठा वाला क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। सातवां वाला देखेंगे,
जो हमको दिया गया है कि x such that x एक सम प्राकृतिक संख्या है, यहाँ पे सम भी है प्राकृतिक है, ठीक है, प्राकृतिक संख्या है। सम प्राकृतिक संख्या होने का मतलब है यहाँ पे जितनी भी सम प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो सब दो, मतलब कि 2, 4, 6, 8 यही तो सम प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। सम भी हैं, प्राकृतिक संख्याएं भी हैं, 10 ऐसे डॉट डॉट और आगे बढ़ते चले जाइए। दूसरे हिस्से में देखेंगे x such that x एक पूर्णांक, यहाँ पे दिया गया है पूर्णांक। अब पूर्णांक का ही तो एक हिस्सा होता है, पूर्णांक क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सब होते हैं, 0 भी होता है, माइनस वाला भी गिनती होती है, तो उसी का एक अवयव ये बनेगा, मतलब उस इसके सभी अवयव इसी में दिखाई देंगे, बिल्कुल दिखाई देगा, इसमें 2, 4, 6, 8 तक सब दिखाई देंगे, तो इसका ये उपसमुच्चय है, ठीक है, ये उपसमुच्चय इसका है। सो दोस्तों दूसरा जो प्रश्न दिया गया है, कहा गया है जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं। इसका जो पहला हिस्सा दिया गया है उसमें आपको दिया गया है कि यहाँ पे आपको दिया गया है एक सेट में जिसमें दिया गया है ए और बी, दूसरे सेट में आ जाते हैं, यहाँ पे दिया गया है उपसमुच्चय नहीं है, और यहाँ पे दिया गया है बी सी ए, क्या ये बात सही है? तो हम यहाँ पे ए देखते हैं, क्या इसमें ए है? हाँ है। इसमें बी देखते हैं, क्या इसमें बी है? बिल्कुल है। तो क्या ये इसका उपसमुच्चय नहीं होगा? भाई है, इसके दोनों अवयव इसमें दिखाई दे रहे हैं, तो ये उपसमुच्चय है, जबकि ये कह रहा है कि उपसमुच्चय नहीं है, तो ये क्या बात कह रहा है, क्या सही है कि गलत? तो ये क्या कह रहे हैं? असत्य कह रहे हैं, ये बात गलत कह रहे हैं। हाँ, यहाँ पे ये इसका उपसमुच्चय है और ये कह रहे हैं कि गलत है, तो इनकी बात गलत हुई ना, इसलिए लिख दिया हमने असत्य। समझ में आगे बात? दूसरा वाला प्रश्न देखेंगे, तो ये पहला वाला असत्य हो गया। दूसरा वाला देखेंगे क्या है, कहाँ गया, तो इसमें दिया गया है ए ई, पहले वाले हिस्से में ए ई दिया गया है, दूसरे हिस्से में दिया गया यक्स सच दैट यक्स एक वर्णमाला का स्वर है, तो ए ई आई ओ यू सभी स्वर होते हैं, तो ए ई क्या है? स्वर है। इधर आपको ए ई दिया गया है और इधर वाले में अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर के बारे में कहा गया, ए ई आई ओ यू सब होते हैं, तो ए ई इसका एक हिस्सा है और इसमें बीच में उपसमुच्चय दिया गया है, ठीक है, उपसमुच्चय दिया गया, इसका मतलब क्या है? ये बात सही कह रहे हैं, ये बात तो सत्य है। क्या है? ये बात सत्य है। तीसरे प्रश्न भी आएंगे, तो इसको प्रश्न को आपको करना भी कैसे है, आपको ये पूरा प्रश्न इसे उतार देना है, आगे सत्य या असत्य लिख देना है, उसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। इस वाले में देख रहे हैं 1, 2, 3 दिखाई दे रहा है, तीसरे वाले साइड में देखें 1, 2, 3 दिखाई दे रहा है, इधर 1, 3, 5 दिखाई दे रहा है, तो क्या इसका, और बीच में कह रहे हैं कि इसका उपसमुच्चय है, तो भैया यहाँ पे 1, 2, 3 जो दिखाई दे रहा है इसमें 2 है, इधर वाले में 2 नहीं है, और इसको कह रहे हैं कि उपसमुच्चय है, तो ऐसे में ये गलत बात बोल गए, क्या कहे गए? असत्य कह गए हैं, ये असत्य कह गए, ठीक है, अगर यहाँ पे काट दिया तो सत्य हो जाती बात है। चौथे वाले प्रश्न में देखेंगे, चौथे में कहा गया है कि ए उपसमुच्चय ए बी सी, तो यहाँ पे जो ए दिया गया है और उपसमुच्चय बना के यहाँ पे ए बी सी दिया गया है, तो ए तो इसमें है, तो ये क्या कह रहे हैं? ये सत्य कह रहे हैं। भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो सेट है उसमें ए है, उधर जो सेट है उसमें ए बी सी है, तो ये वाला ए इसमें दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, तो ये इसका उपसमुच्चय है, हाँ है। क्या ये उपसमुच्चय कह रहे हैं? हाँ ये कह रहे हैं। क्या ये बात सही कह रहे हैं? हाँ ये सही बात कह रहे हैं, इसलिए लिख दिया सत्य। पांचवा देखेंगे, पांचवा में कहा गया है कि ए, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट बंद कर दिया गया है और एलिमेंट का चिन्ह बनाया गया है, एलिमेंट ऑफ ए बी और सी, इस सेट का ये एलिमेंट है कि नहीं ऐसा हमसे पूछ रहे हैं, तो भैया ये इसका उपसमुच्चय है, नो डाउट, एकदम सही बात है, वही हूबहू बनाने के बाद आप एलिमेंट कह रहे हैं, तो क्या ये सही है कि गलत है, ये हमको समझना है, तो यहाँ पे ये बात असत्य है। क्या है? असत्य है, कारण मैं समझा रहा हूँ, पहले बात तो जान लीजिए कि ये असत्य है, गलत है। कारण ये है कि अगर ए अकेला लिख देते हैं, ए सिंपल सिंपल लिख देते हैं और कहते हैं कि ये एलिमेंट है किसका, ए बी और सी का, तो हम कहते हैं कि ये इसका अवयव है, पर ये पूरा, ठीक है, बंडल में या फिर ए ब्रैकेट के अंदर बंद करके उसके अंदर हो एलिमेंट हो, तो ऐसा गलत हो रहा है, क्योंकि इसको इसका एलिमेंट दिखाने के लिए आपको ये ऐसे बंद होना चाहिए, ऐसे बंद होना चाहिए, जबकि ये नहीं है, तो ये इसका अवयव नहीं होगा, ये गलत है। और अगर ऐसी कंडीशन दे दी जाती तब यह सही है, ऐसी कंडीशन जहाँ भी ब्रैकेट बंद कर दिया जाए तब ये ब्रेकेट ना रहे तब ये इसका एलिमेंट होगा, लेकिन ब्रेकेट बना के दिया जा रहा है तो इसका एलिमेंट नहीं हो सकता, ये इसका
उपसमुच्चय हो सकता है, अवयव नहीं हो सकता है। अवयव मतलब उसका एक हिस्सा, ठीक है। और उपसमुच्चय का मतलब उसके एक अवयव को लिया गया और समुच्चय बनाया गया, तब ये बातें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये ब्रेकर में बंद करने का मतलब होता है उपसमुच्चय, और यहाँ पे कह रहे हैं अवयव, ये बंद करने का मतलब समुच्चय और यहाँ पे कहा जा रहा है अवयव। अब ये तो उपसमुच्चय है और आप अवयव की बात कह रहे हैं तो गलत हो गया बात। यहाँ पे समुच्चय बना है, उपसमुच्चय कह रहा हूँ, यानी कि उपसमुच्चय है, ये सही है। अब यहाँ पे ये एलिमेंट भी बना हुआ है, ये एलिमेंट भी है और इसका इस समुच्चय का अवयव है, तो ये हो गया सही बात। तो यहाँ पे ये बात गलत है। और अब अगर देखें इसका छठा प्रश्न तो देखते हैं यहाँ पे क्या कहेंगे, क्या है कि यक्स इज दैट, यक्स संख्या 6 से कम खम एक प्राकृतिक संख्या है, सॉरी। तो यहाँ पे पहला जो सेट बनाया गया है ये कहा गया है कि यक्स यक्स संख्या 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या है। तो 6 से कम जो सम प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो होती हैं 2 और 4, इसके अलावा सम प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। दूसरे सेट में आते हैं कि यक्स एज दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो 36 को विभाजित करती है। यक्स एज दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है, इधर वाले हिस्से में आएंगे, जो 36 को बांटते, तो 36 को कौन कौन काट देता है, एक काट देता है, 2 से काट देता है, 3 से कटता है 36 नहीं करता है, करता है 4 से करता है 94 36, 5 से करता है नहीं, 6 7 6 7 8, 9 4 36, 9 से करता है, और 36 18, 9 4 36, और यहाँ पे 9 9 4 36, 36 18 6 6 36, हाँ ओके, और यहाँ पे 12 3 36, और 18 2 36, और 36 1 36, यहाँ पे मैं पूरा सेट ही बना रहा है इसका। तो ऐसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, सही गलत की बात है। तो यहाँ पे हमने देखा कि 6 से कम छोटी सम प्राकृतिक संख्याएं जो रखनी थी वो हमने रख लिया, एक सेट बन गया। दूसरे में 36 को काटने वाली संख्याएं देख ली हैं, तो क्या 2 और 4 इसमें हैं, यहाँ पे 2 और 4 दिखाई दे रहे हैं, और बीच में यहाँ पे उपसमुच्चय बनाया गया है, इसमें उपसमुच्चय बनाया गया है, तो क्या ये सही बात कह रहे हैं, बिल्कुल ये सही बात कह रहे हैं। बात को एक बार फिर से समझेंगे, यहाँ पे जो भी समुच्चय निर्माण विधि में बात कही गई थी उससे हमने एक समुच्चय बनाया, ठीक है, और दूसरे वाले में जो समुच्चय निर्माण विधि से बात की गई थी हमने दूसरा समुच्चय बनाया। अब हम देख रहे हैं कि वहाँ पे बीच में उपसमुच्चय का निशान बनाया था, हमने बना दिया। अब 2 इसमें दिखाई दे रहा है, हाँ है, 4 इसमें दिखाई दे रहा है, हाँ है, बस इतना पर्याप्त है, ये पूरा जो समुच्चय है इसका उपसमुच्चय है, हाँ सही है, तो यहाँ पे हमने बात सही कह दी। तो इस प्रकार से ये बात पूरी तरह खत्म हो जाती है। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे, कहा गया है कि मान लीजिए कि ए बराबर ए सेट है जिसके अंतर्गत 1 2 और यहाँ पे 3 4 एक ब्रैकेट के अंदर बंद करके दिया गया है, यानी ये दोनों मिलकर एक अवयव है। 1 और 2 की भांति ये 3 और 4 क्या है, एक अवयव है, और यहाँ पे 3 अकेले एक अवयव नहीं है, ये 3 और 4 पूरा बंडल एक अवयव है और 5 भी एक अवयव है। ऐसे स्थिति में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा कारण सही है, कौन सा नहीं है और क्यों, सभी का कारण देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको चारों सभी प्रश्न जो हैं दिखाई दे रहे हैं, कारण भी हम देखते चलेंगे, समझ में आएंगे बात को। तो कहा गया है कि 3 और 4 क्या है, उपसमुच्चय है एक का, ठीक है, 3 और 4 जो ब्रैकेट में बंद करके ये एक उपसमुच्चय है, तो क्या ये पूरा इसका उपसमुच्चय है। तो हमने अभी कहा था कि ये ए और 3 क्या है, ये 3 और 4 पूरा मिलकर जो है वो इसका अवयव है, ना कि समुच्चय क्या, ठीक है, उपसमुच्चय तो नहीं हो सकता, ऐसे उपसमुच्चय नहीं बन सकता, क्योंकि ये पूरा केवल ऐसे रखा गया है, ये इसका अवयव है ना कि उपसमुच्चय है। तो यहाँ पर ये असत्य है, असत्य है, क्योंकि 3 और 4 इसके 3 और 4 एक अवयव नहीं हो सकता है, तो ये पूरा क्या है इसका, या फिर ऐसे करता हूँ भाई कि 3 और 4 जो है, 3 कॉमन 4 ये जो करके मिला है पूरा सेट मिला है, ये क्या है इसका एलिमेंट है, अवयव है, ना कि उपसमुच्चय है, ठीक। और यहाँ पे कहा गया कि इसको उपसमुच्चय है वह अवयव है, 3 कॉमा 4 ये ब्रैकेट में बंद करके एक अवयव है, तो यहाँ पे ये क्या है, सत्य है बातें। हमने ऊपर कारण दे दिया था जो कि भैया ये पूरा क्या है इसका एलिमेंट है, ना कि इसका समुच्चय है, उपसमुच्चय है। तो ये 3 और 4 एक अवयव के रूप में आए हैं, तो ये अवयव के रूप में है जो सही है,
यहाँ पे देखेंगे उस अवयव को फिर से ब्रैकेट में बंद कर दिया, डबल ब्रैकेट लग गया है। पहले तो ये पूरा अवयव लिखा गया, फिर उसको ब्रैकेट में बंद कर दिया गया। अब जब देखा गया कि इसका उपसमुच्चय है, ए का उपसमुच्चय है, तब ये बात हो गई सही, तब ये बात हो गई सही। ऐसी स्थिति में आप गलत कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर अवयव के रूप में ये पूरा का पूरा छापा गया है, ये अवयव के रूप में लिखा गया, तो ये इसका अवयव होगा, तो यहाँ पे असत्य हो गया। यहाँ पे ये अवयव कहा गया सत्य है, एलिमेंट कहा गया सत्य है। यहाँ पे ये उपसमुच्चय के रूप में बनाया गया, पहले तो इसको उतारा गया, फिर ब्रैकेट में बंद किया गया, इसका मतलब ये उपसमुच्चय अब बन गया है। तो और उसके बाद कहा गया ये उपसमुच्चय है, तो यहाँ पे ये बात सही हो गई। तो एक ए का यहाँ पे कहा गया एक ए का एलिमेंट है, एक ए का एलिमेंट है, हाँ ये सत्य है, ठीक है, एक ए का एलिमेंट है, ठीक है। एक ए का उपसमुच्चय है क्या, एक ए का उपसमुच्चय है, तो भैया ये क्या है, असत्य है, सत्य है। असत्य क्यों है, क्योंकि एक जो है वो एलिमेंट है, ना कि अवयव है, ठीक है, उपसमुच्चय है, ठीक है, सॉरी अवयव गलत कह दिए, एलिमेंट होने का मतलब अवयव होना, उसका एक अवयव है, उसका एक टुकड़ा है, ठीक है। एक ए का एलिमेंट है, अवयव है, ये बात सही है, और ये उसका उपसमुच्चय बन जाए, एक ए का उपसमुच्चय बन जाए, ये बात गलत है। उपसमुच्चय बनने के लिए इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद होना चाहिए, तब जाके उपसमुच्चय बनेगा, ठीक। ऐसे सिंगल सिंगल खाली खाली रख देना उसका उपसमुच्चय नहीं बनाता है। जैसे यहाँ पे इसको उठा के खाली खाली रख दिया तो उपसमुच्चय नहीं बनाता भाई, नहीं बनाता, वैसे ही एक भी इसका उपसमुच्चय नहीं बन पाएगा। यहाँ पे आएंगे, क्या कह रहे हैं, एक तीन, एक दो और पाँच, यहाँ पे देखें एक दो पाँच, एक का उसको ब्रेकर में बंद किया गया तो उसका उपसमुच्चय बना, ये एक का उपसमुच्चय है, एक दो पाँच अलग अलग रखा गया, एक का उपसमुच्चय है, यहाँ पे ये सत्य बात है। क्यों, क्योंकि भाई एक दो और पाँच को पहले अलग अलग कॉमा लगा के रखा गया, फिर उसको सेट बनाया गया, क्वेश्चन में बंद किया गया, तो इसका उपसमुच्चय बना, ठीक है। तो एक का उपसमुच्चय हाँ ये सही है, एक दो पाँच क्या है, ए का एलिमेंट है, तो ये असत्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि ये सेट बनाया गया है और आप एलिमेंट होने की बात कह रहे हैं, एलिमेंट होने के लिए ये ब्रैकेट हटा देना होगा, अगर ये ब्रैकेट नहीं होता तो हम यहाँ पे सत्य कह देते हैं। मान लीजिए अगर ये ना लिखा होता, कह दे एक दो और पाँच एलिमेंट ऑफ ए, ए का अवयव है, तो हम कहते हैं सत्य, लेकिन अभी चूंकि यहाँ पे ब्रैकेट बना है और ये सेट बनाया गया है, तो वो इसका सबसेट होगा, उपसमुच्चय होगा, ना कि अवयव होगा, तो ये गलत हो गया। एक दो तीन ए का उपसमुच्चय है, तो यहाँ पे जो तीन दिखाई दे रहा है वो इसका, ठीक है, इस सेट का एक अवयव है, ना कि ए सेट का, ए का अवयव तीन नहीं है, तो तीन अलग से घूम नहीं सकता, अलग से नहीं जा सकता है, तो यहाँ पे ये असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। असत्य क्यों हो जाएगा, क्योंकि सीधे सीधे कारण यही है कि जो तीन है वो अवयव नहीं है ए का, तीन एक अवयव ही नहीं है, तो सेट बना करके ब्रैकेट में इसको रख ही नहीं सकते हैं, तो ये इसका अवयव नहीं है। फाइव एलिमेंट ऑफ ए, फाई क्या है, ए का उपसमुच्चय अवयव है, तो क्या यहाँ पे आपको फाई कहीं दिखाई दे रहा है, ये खाली वाला हिस्सा कहीं दिखाई दे रहा है, तो ऐसा दिखाई ही नहीं दे रहा है, यहाँ पे है ही नहीं, तो ये क्या है, इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ये इसका अवयव नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे ये असत्य है, ये असत्य बात हो गई है। फाई ए का उपसमुच्चय है, क्या रिक्त समुच्चय ए का उपसमुच्चय है, हाँ उपसमुच्चय बन सकता है, क्योंकि इसमें से जब उपसमुच्चय बनाने लगते हैं तो एक एक अवयव को निकालते हैं, मान लीजिए कोई अवयव ना निकाला जाए, खाली छोड़ दिया जाए, तो क्या ये इसका उपसमुच्चय बनेगा, तो रिक्त समुच्चय हर एक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, तो फाई क्या है, इसका उपसमुच्चय बनेगा, ये क्या है, ये सत्य है, ये सत्य है। अब ब्रैकेट के अंदर देखिए, फाई को लिया गया, उसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया गया, कहा गया ये ए का उपसमुच्चय है, तो भाई फाई ए का एलिमेंट ही नहीं है, यहाँ पे फाई बना ही नहीं है, फाई ए का एलिमेंट है ही नहीं, तो ऐसे में उसका उपसमुच्चय नहीं हो सकता है, यहाँ पे ये असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। कारण क्या है, ये जो फाई है वो एलिमेंट नहीं है ए का, फाई ए का एलिमेंट नहीं है, ठीक है,
फाई ए का एलिमेंट नहीं है, जिसकी वजह से ये इसका उपसमुच्चय नहीं बन सकता। देखिए फाई अकेला जब रखा जाएगा ठीक है, तो उसका उपसमुच्चय हर एक समुच्चय का उपसमुच्चय रिक्त समुच्चय होता है, यह सही है। लेकिन फाई जबकि एलिमेंट के रूप में न दिखाई दे, जब तक फाई ऐसे न दिखाई दे ठीक है, ऐसे ना दिखाई दे, तब तक आप इसको नहीं कह सकते। अब जब इसको नहीं कह सकते तो ये भी कहने का कोई चांस ही नहीं बनता है ठीक है। तो यहाँ पे ये स्थिति बन रही है। तो आई थिंक कि आपको बातें समझ में आई होंगी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो दोस्तों चौथा प्रश्न देखते हैं। इसमें हमसे कहा गया है कि निम्नलिखित समुच्चय के सभी उप समुच्चय लिखिए। हमको पहला वाला जो हिस्सा दिया गया है उसमें समुच्चय के रूप में आपको ए अकेले दिया गया है, और अगर इसके घात समुच्चय के लिखना है, देखिए उप समुच्चयों को ठीक है कहा गया है सभी उप समुच्चय लिखिए। इसका घात समुच्चय लिखने को जब कहा जाए तब ब्रैकेट में बंद करके लिखिए, बी ए लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे केवल उप समुच्चय को लिखना है। तो ये समुच्चय हो गया, नीचे लिखेंगे उप समुच्चय, समुच्चय सभी उप समुच्चय लिख देंगे ठीक है, सभी उप समुच्चय। तो सबसे पहले बात तो हम लिखेंगे फाई, क्योंकि रिक्त समुच्चय जो होता है हर एक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। फिर एक एक अवयव उठाएंगे। अब यहाँ पे एक ही पीस है तो यहाँ पे हम एक ऐसा बना दिया, अब इससे ज़्यादा रख ही नहीं सकते, और अगला जो अकेला है वो है ही नहीं, तो बस इतना सा इसके उप समुच्चय होंगे ठीक है। दूसरा वाला देखते हैं, दूसरा वाला देखते हैं। इसमें ए और बी दिया गया है, ए बी दिया गया है, तो इसके सभी उप समुच्चय लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले तो फाइव लिख लेंगे, रिक्त समुच्चय को रख लेंगे, फिर एक सिंगल पर्सन को उठाते हैं, सिंगल सिंगल को उठाते हैं, पहला वाला लिख लिया, फिर दूसरा अलग अलग से लिख लेंगे। ये हो गया, ये दो समुच्चय उप समुच्चय बन के अलग अलग वाले। फिर दो लोगों को साथ में ले लेंगे और ये भी इसका उप समुच्चय बन गया ठीक है। बस हो गया, इसमें सभी उप समुच्चय हो गए। तीसरे वाले पे चलते हैं। बारी बारी से स्टेप वाइज चलते रहेंगे तो समझ में आ रही बातें ठीक है, समझ में आती रहेंगी बातें। क्या है भाई, तो इसमें दिया गया है एक दो और तीन, तीन अवयव दिए गए हैं, इसके रिक्त समुच्चय को बनाना है। तो भैया सबसे पहले तो फाइव हो गया, एक रिक्त एक उप समुच्चय हो गया, रिक्त समुच्चय नहीं बना, उप समुच्चय को बनाना। पहला हो गया फाइव, एक रिक्त समुच्चय, इसका उप समुच्चय हो गया। फिर एक को लेना है और ये बंद कर दिया, फिर दो को ले लिया, फिर तीन को भी ले लिया, अरे सिंगल सिंगल ले लिया, तो हमको यहाँ पे इतना तक तो मिल गया। अभी और भी इसके उप समुच्चय बनेंगे। अब क्या लेना है, दो दो को लेना है, दो दो को लेना है, तो एक दो ले लिया, क्या ले लिया एक दो, फिर दो तीन ले लिया, फिर क्या ले लिया तीन एक ले लिया ठीक है। ये हो गया, इन दोनों को, इन दोनों को, फिर इन दोनों को, यहाँ पे यही कंडीशन बन सकती है, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं बन सकती है। तो यहाँ पे हो गया ठीक है, दो दो को लेने वाला काम हो गया। फिर तीनों को लेना है एक साथ, एक दो तीन, ये जो बन गया, अब जो हो गया फाइनल हो गया, इससे ज़्यादा नहीं बन सकता है। एक दो तीन मतलब इससे ज़्यादा अब नहीं बन सकते हैं। और वैसे भी हमने एक फार्मूला सीखा था कि इसके उप समुच्चयों की संख्या निकालनी है तो दो की घाते एन लगाना होता है या फिर एम लगाना होता है, जितने उसके अवयव होते हैं। जैसे यहाँ पे एक अवयव है तो दो की घाते एक लगाएंगे, दो की घाते एक लगाएंगे, कितना मिल गया दो, उप समुच्चयों की संख्या दो, एक और दो। यहाँ पे दो की घाते दो लगाएंगे क्योंकि दो अवयव हैं, दो दो नहीं कितना हो जाएगा चार हो जाएगा, तो यहाँ पे एक दो तीन चार उप समुच्चय बन गया। यहाँ पे तीन है तो दो की घाते तीन लगाएंगे, तो दो दुनिया चार दुनिया आठ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ हो गए ना ठीक है। एक इसका चौथा वाला हिस्सा दिया गया है जिसमें फाइव के लिए लिखा गया है, क्या लिखा गया है फाइव लिखा गया है। चौथा हिस्सा देखते हैं जहाँ पे फाइव दिया गया है, ये एक समुच्चय दिया गया है। अब इसके उप समुच्चय को जब बनाने लगेंगे तो हमको फाइव तो पहले लिखना है, फाइव का फाइव हो गया, अब उसके बाद दोबारा फाई नहीं लेंगे हम, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये वाला नहीं लिख सकते हैं ठीक है, ये नहीं हो सकता है। अब इसके केवल उप समुच्चय की संख्या केवल फाई ही होगी। अब यहाँ पे देखिए अवयव कितना है, एक को नहीं है, आप कहेंगे एक अवयव नहीं, एक को अवयव नहीं है, तो दो की घात है जब जीरो लगाएंगे कितना मिलेगा एक मिलेगा, तो उप समुच्चय की संख्या कितनी है एक है ना, परफेक्ट काम बन गया। पांचवा प्रश्न देखेंगे, आसान सा प्रश्न है, आपको पी ए के कितने अवयव हैं यदि ए बराबर फाइव दिया गया है।
आपको ए बराबर कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना हो कि ए में कितने मिल जाएंगे, 0, एक भी अवयव नहीं है। 5 का मतलब है रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय का मतलब एक भी अवयव नहीं, एक अभी अवयव नहीं, मतलब उसके अवयव की संख्या कितनी होगी, 0। अगर इतना निकालना है, ठीक है, हम इसको ऐसा भी बना सकते हैं, अगर इसके मान निकाले नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि पी ए में इसके पावर में कितने अवयव होंगे। फॉर्मूला आपको बताया था कि 2 की पावर यही इसके जितने अवयव होते हैं, जिसको हमको m से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम यहाँ पे m लिख सकते हैं, ऐसा होता है। तो m बराबर कितना है, 0 है, तो 2 की घात 0 लगाएंगे, कितना मिलेगा, किसी भी संख्या की घात जब 1 0 होती है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो मिल गए कितने अवयव हैं, 1 अवयव होगा, ठीक है, सिंपल। तो दोस्तों जो छठा प्रश्न है उसमें प्रश्न हम देखते हैं, कहा गया है कि अंतराल रूप में लिखें, निम्नलिखित को समुच्चय को अंतराल रूप में लिखना है। अंतराल रूप में लिखने का मतलब क्या होता है, वो ब्रैकेट बना के लगना, छोटा ब्रैकेट बनाना है कि बड़ा ब्रैकेट बनाना है। आपको बता दें कि जब हम छोटा ब्रैकेट बनाते हैं इसका मतलब उसको छोड़ना होता है, ठीक है, छोड़ना, जिस संख्या के साथ छोटा ब्रैकेट लगता है उस वक्त उसको छोड़ देते हैं और बड़ा ब्रैकेट जो होता है उसको साथ में लेकर चलते हैं। तो कैसे बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, इसके बराबर क्या होगा, पहले बात तो दोनों संख्याएं लिख लीजिए, -4 दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है, इसे कॉमा लगा लीजिए, 6 को बराबर लगाए, 6 के बराबर लगाया गया यहाँ पे, ठीक है, लेस देन इक्वल, मतलब x के मान 6 से छोटा उसके बराबर है। जब बराबर भी है इसका मतलब 6 को लेना है, जिसको लेना है उसके साथ में बड़ा ब्रैकेट लगता है, जिसको देखिए यहाँ पे 4 के साथ बराबर का चिन्ह नहीं लगाया, यानी इसको छोड़ देना है, इससे कम वाली, इससे ज़्यादा वाली संख्याएँ सभी ले लेनी है, तो यहाँ पे छोटा ब्रैकेट रहेगा, ठीक है, इतना सिंपल सी बात होती है। जिसकी ओर बराबर के चिन्ह दिखाई दे उधर बड़ा ब्रैकेट, जिसकी ओर बराबर के चिन्ह नहीं दिखाई दे उसकी ओर छोटा ब्रैकेट, ऐसा आप समझ लें। तो यहाँ पे दोनों तरफ बराबर के चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है तो दोनों तरफ छोटा ब्रैकेट लगेगा, और गिनतियाँ लिख दीजिए, -12 दिखाई दे रहा है, -10 दिखाई दे रहा है, सिंपल, बहुत बढ़िया। इधर की ओर आएंगे, आपको क्या दिखाई दे रहा है, 0 दिखाई दे रहा है, इधर 7 दिखाई दे रहा है, कॉमा लगा ही दिया। अब यहाँ पे छोटा ब्रैकेट, यहाँ पे बराबर के चिन्ह नहीं है तो छोटा ब्रैकेट लगेगा, इधर की ओर बराबर के चिन्ह है तो बड़ा ब्रैकेट लग जाएगा, सिंपल, बहुत बढ़िया। बराबर के इधर की ओर आ जाएंगे, यहाँ पे दोनों तरफ बराबर के चिन्ह लगाएंगे तो दोनों तरफ बड़ा चिन्ह लगा देंगे, 4 और 3, मतलब 3 और 4, ये ले लिया, बन गया ना। यहाँ पे मुख्य काम बस इतना सा है कि छोटा ब्रैकेट कहाँ बनेगा, बड़ा ब्रैकेट कहाँ पे बनेगा, यही आपको याद रखना है। छोटे ब्रैकेट का मतलब छोड़ना, छोड़ने का मतलब उसके बराबर नहीं है गिनती, जैसे 4 को छोड़ करके लिखना है, 4 से बड़ी गिनतियाँ लेनी है, 4 को नहीं लेना है, तो 4 को छोड़ दिया, तो यहाँ पर छोटा ब्रैकेट लगा दिया। सो दोस्तों जो अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, इसमें कहा गया समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। यहाँ पे ये आपको संख्या, ठीक है, समुच्चय रूप में दिया गया, इसको समुच्चय निर्माण रूप यानी कि इसके क्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हुए हमको इसको दर्शाना है, ठीक है। तो कैसे, अंतराल रूप में लिखना है, अंतराल रूप में कैसे लिखेंगे, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, अंतराल रूप में लिखा गया है, तो इसके बराबर सिंपल वही प्रोसेस जो हमने 6वें प्रश्न में देखे थे, स्मॉल ब्रैकेट, मछली ब्रैकेट से शुरू करेंगे, यक्स एज दैट यक्स लिखेंगे और एलिमेंट ऑफ आर लिखेंगे, ये वास्तविक संख्याओं के समुच्चय है, वास्तविक संख्या के रूप में लिखना है, तो ये एक्स एज दैट एक्स एलिमेंट ऑफ आर तो लिखना ही पड़ेगा। अब अपनी असली कार्रवाई शुरू होगी, उससे भी पहले हमें बहुत सिंपल से देखना है कि -3, ठीक है, या लेस देन एक्स, लेस देन ये 0 जो दिखाई दे रहा है इसको लिख करके ब्रैकेट बंद कर दो। अब ध्यान देने वाली बात है, अगर छोटा ब्रैकेट बना है यानी दोनों गिनतियों को, देखिए इधर भी छोटा ब्रैकेट, इधर भी छोटा ब्रैकेट, यानी दोनों गिनतियों को छोड़ना है, जब दोनों गिनतियों को छोड़ना है तो वहाँ पे बराबर चिन्ह नहीं लगाएंगे। अगर बराबर का चिन्ह लगा रहे हैं, एक्स का मान 3 से -3 से बड़ा लेना है, एक्स का मान -3 से बड़ा लेना है, तो अगर आपने यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा दिया यानी कि -3 के बराबर भी है, यानी -3 को भी लेना है, लेकिन यहाँ पर तो छोड़ने की बात की है, छोटा ब्रैकेट का मतलब होता है छोड़ना, तो इसको नहीं लगाना है, यहाँ पे लगाना ही नहीं है, यही हो गया इसका आंसर। इसके बारे में देखना है कैसे लिखेंगे, यक्स एज दैट यक्स एलिमेंट ऑफ आर, कॉमा लगा के ये दोनों गिनतियाँ 6 और 12 डाल दीजिए, ये वाला चिन्ह बना करके नीचे बीच में यक्स लगा के मतलब ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब सोचिए क्या यह यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा है दोनों तरफ, अगर दोनों तरफ बड़ा ब्रैकेट लगा है इसका मतलब इन दोनों गिनतियों को छोड़ना नहीं है, छोटे का मतलब छोड़ना, यहाँ पे इनको लेकर चलना है, जब लेकर चलना है तो बराबर का चिन्ह लगाना पड़ेगा, बराबर का चिन्ह लगाना पड़ेगा, यानी यक्स का मान 6 के बराबर भी है, उससे बड़ा तो है ही, 6 के बराबर भी है और 12 के बराबर भी है, तो ये बराबर का चिन्ह लगाना होगा। यहाँ पे महत्वपूर्ण है बस यही दो लाइनें, ठीक है, जिधर की ओर बड़ा ब्रैकेट है उधर की ओर ये बराबर का चिन्ह होना चाहिए, और अगर दोनों तरफ है तो दोनों तरफ होना चाहिए, अगर नहीं है तो नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है, जैसे इसमें नहीं था।
इसमें आ जाएंगे। क्या दिखा दे रहा है, हूबहू उतारेंगे x as that x, एलिमेंट ऑफ r लगाएंगे, 6 और 12 लिख लेंगे, 6 और 12 लिख लिया, ये वाला चिन्ह बना लेना है, बीच में x डाल देना है और ये ब्रैकेट बंद कर देना है। जिधर की ओर बड़ा का निशान, बड़ा ब्रैकेट, उधर की ओर बराबर, 12 की ओर है तो इधर बराबर। इसमें आएंगे x as that x, ये तो बनाना भूलिए, एलिमेंट ऑफ r कॉमा लगा देना, ये जो -23 है वो लिख देना है। इधर की ओर देखिए, ये वाला निशान x, ये वाला निशान 5, ये जो 5 था वो, और ये मसला ब्रैकेट बंद। किधर की ओर बड़ा निशान है, इधर की ओर 23 की ओर, तो 23 की ओर बराबर का निशान लगा दीजिए। परफेक्ट, काम ख़त्म हुआ। ठीक है, सो दोस्तों जो अगला प्रश्न है, 8वां प्रश्न, इसमें हम देखते हैं कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे, आप कौन सा एक समुच्चय बता सकते हैं जिस जो इन समुच्चय के लिए सार्वत्रिक समुच्चय के रूप में काम कर सके। पहला वाला है समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, त्रिभुजों का समुच्चय, हमको ऐसा समुच्चय बताना है जिसमें समकोण त्रिभुज समाहित हो जाए। तो अगर हम यहाँ पे कहें कि त्रिभुजों का समुच्चय समतल में स्थित त्रिभुजों का समुच्चय उठाइए और उसमें अलग अलग प्रकार के त्रिभुज सभी रहेंगे, तो समकोण त्रिभुज भी उसमें घुस जाएगा। हम कह सकते हैं समतल पर स्थित त्रिभुजों का समुच्चय, का समुच्चय, ये सिंपल सी बात, समतल में जितने त्रिभुज स्थित होते हैं उसके अंतर्गत समकोण त्रिभुज आ जाएगा, समकोण त्रिभुज उसमें समाहित होगा। तो हमें बस सार्वत्रिक समुच्चय ही प्रस्तुत करना था, हम अपने हिसाब से क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कौन सा प्रस्तावित कर सकते हैं कि ये मतलब हम ऐसा समुच्चय दे दें जिसके अंतर्गत ये आ ही जाए। तो अगर समतल पर स्थित त्रिभुजों का समुच्चय देखा जाए तो उसके अंदर समकोण त्रिभुजों का समुच्चय आ जाएगा, पर्याप्त रूप से समाहित हो जाएगा। दूसरा वाला देखेंगे, कह रहे हैं समद्विबाह त्रिभुजों का समुच्चय, समद्विबाह त्रिभुजों का समुच्चय लेना है, समत्रिबाह समबाह त्रिभुज कोई भी ले लो भाई, समतल पर स्थित त्रिभुजों का समुच्चय अगर उठाया गया तो उसके अंतर्गत कोई भी त्रिभुज आ जाए सब आ जाएंगे। तो पहले वाले प्रश्न के लिए भी हम यही उत्तर लिखेंगे, दूसरे वाले के लिए भी यही हम समुच्चय प्रस्तावित करेंगे, समतल पर स्थित त्रिभुजों का समुच्चय, दोनों ही समुच्चयों के लिए त्रिभुजों का समुच्चय काम करेगा, क्योंकि दूसरे वाले में भी संभाव समद्विबाह त्रिभुजों का समुच्चय दिया गया है, तो वहाँ पर भी त्रिभुज ही है जो एक त्रिभुजों के समुच्चय का ही हिस्सा होंगे या उपसमुच्चय होंगे। तो यही रहा हमारा सार्वत्रिक सार्वत्रिक समुच्चय जो दोनों ही प्रश्नों के लिए रहेगा। सो दोस्तों, 9वां जो प्रश्न है बहुत आसान प्रश्न है, देखेंगे प्रश्न पढ़ा गया है, कहा गया कि समुच्चय ए बराबर 1 3 5 दिया गया है, बी बराबर 2 4 6 दिया गया है, सी बराबर दिया गया है 0 2 4 6 8 प्रदत्त है। इन तीनों समुच्चयों ए बी और सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या फिर क्वेश्चन में से दिया गया है सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दिए गए हैं। सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब है इन तीनों समुच्चयों में से के सभी अवयव उसमें शामिल होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए तभी हम कहेंगे कि उसका सार्वत्रिक समुच्चय है। अब देखिए ए बी, अगर हम पहले वाले में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 6 तक की गिनती दी गई है, लेकिन अगर सी वाले में देखेंगे तो हमको 8 दिया गया है, तो 8 होने की वजह से इसमें 8 तो है नहीं, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, हमने देखा कि ए बी सी तीनों में जितने भी अवयव हैं सब के सब होने चाहिए किसी एक समुच्चय में, तो पहले समुच्चय में 8 नहीं है तो ये इसका सार्वत्रिक समुच्चय नहीं हो सकता, और 5 तो किसी का भी सार्वत्रिक समुच्चय नहीं हो सकता। ठीक है, संभावना तो यही रहेगा, 5 सभी का उपसमुच्चय हो सकता है, पर सार्वत्रिक समुच्चय होने में थोड़ा सा उसको मुश्किल होगा, यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अब आगे वाले में देखेंगे, तीसरे वाले में देखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 10 तक गिनती दी गई है, यहाँ पे एक से मिनिमम 0 से शुरू होकर के मैक्सिमम 8 तक की गई है, सभी संख्याएँ अगर उठा के इसमें चेक की जाए तो इसमें समाहित है, तो ये इसका उपसमुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय हो सकता है, यानी ये है। और अगर इसमें चेक करें 1 से लेकर 8 तक की गिनती दी गई है, हमारे पास तो यहाँ पे 0 भी शामिल है, हमारे पास सी में 0 है, लेकिन इसमें क्या 0 है, सी में 0 है और इसमें 0 नहीं है, तो क्या ये सार्वत्रिक समुच्चय हो सकता है,
बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो सकता है। केवल तीसरा वाला, ये बहुविकल्पी टाइप प्रश्न है, ठीक है। इन तीनों विकल्पों, चारों विकल्पों में कौन से हैं, केवल ये तीसरा वाला विकल्प सही है जिसमें सभी अंक प्राप्त हो सकते हैं जो कि ए बी सी तीनों सीटों में है। तो यही सार्वत्रिक समुच्चय के रूप में है, आप इसी में सही निशान लगा देंगे, बाकी सब गलत हो गया। तो इस प्रकार से पूरा ये जो प्रश्नावली है समाप्त होता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, हमने कोशिश की है कि अच्छे से समझा सकें सभी बातों को। तो अब इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।